Kripali Agarwal and welcome back to my YouTube channel for my scholar. In this video, I'm going to discuss a very important keyword used in Java, that is this keyword. Okay, so first we will learn the use of it and then we will see how we can implement a program using this keyword. Okay, so let's start. So most important thing about this keyword is it's a reference variable. अब ये रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है जब आप किसी भी क्लास लेट सपोज द नेम ऑफ द क्लास इज ए बी सी एंड फॉर दैट क्लास यू आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट. ओके, तो यहाँ पर ओ बी क्या कहलाता है? ओ बी रेफरेंस वेरिएबल कहलाता है जो कंटेन करता है रेफरेंस फॉर द क्लास ए बी सी. ओके, तो हमारे पास जो दिस कीवर्ड होता है वो भी सेम वर्क करता है. कैसे करता है वो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. सो फर्स्ट यूज़ ऑफ दिस कीवर्ड इज इट इज़ यूज्ड टू रेफर एनी मेम्बर ऑफ करंट क्लास. हाउ, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. लेट सपोज वी हैव अ क्लास ए बी सी. ओके, एंड इन दिस आई एम हैविंग टू वेरिएबल्स इंट ए एंड बी. नाउ इन दिस क्लास आई एम हैविंग अ फंक्शन सेट डेटा. आई हैव पास टू आर्ग्यूमेंट्स इन दिस फंक्शन इन दिस मैथड. ओके, नाउ आई वॉन्ट टू असाइन दीज वैल्यूज टू दीज इंस्टेंस वेरिएबल्स. यहाँ पर जो हमने डिक्लेयर किए हैं ए एंड बी, किस टाइप के वेरिएबल्स हैं? इंस्टेंस वेरिएबल्स. इंस्टेंस वेरिएबल्स. एंड जो आपने यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए ए एंड बी, ये किस टाइप के वेरिएबल्स हैं? ये हमारे पास लोकल वेरिएबल्स टू क्लास सेट डेटा. लोकल वेरिएबल्स. सो व्हाट आई वॉन्ट टू असाइन द वैल्यूज ऑफ लोकल वेरिएबल्स टू इंस्टेंस वेरिएबल्स. सो हाउ आई विल राइट लाइक दिस. ए इज इक्वल्स टू ए एंड देन बी इज इक्वल्स टू बी. ओके, नाउ आई विल राइट अनदर फंक्शन वॉइड शो. नाउ आई विल प्रिंट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. सो आई विल राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्लस ए and then again I'll write b. अब main method create करते हैं तो उसके लिए मैंने class लिया class hello and इसमें मैं main function लिखती हूँ. okay, now I'll create object for class abc. तो हम कैसे create करेंगे? abc ob is equals to new abc. okay, now I'll call the function set data. So ob dot set data, let's suppose I want to pass the value of a 10 and b ki value mujhe pass karni hai 20. okay, ab hum kis function call karenge? Show function ko, kyunki hame values ko print bhi karna hai. theek hai, ye just ek maine simple sa ek program likha hai. dekhiye according to program kya hona chahiye, hamare paas kya hoga jaise program ko hum execute karenge. sabse pehle a and b ki values kya set ho jayengi? 10 and 20. तो यहाँ पर ए एंड बी की वैल्यू कितनी आएंगी? 10 एंड 20. और ये कहाँ पर साइन हो जानी चाहिए? ए एंड बी में. तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए? 10 एंड 20. ओके, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं. मैंने प्रेस किया कंट्रोल एफ 11 और इसको एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास आउटपुट आया 0 0. वाई सो? यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे थे, हम असाइन कर रहे थे लोकल वेरिएबल्स की वैल्यू टू इंस्टेंस वेरिएबल्स. बट यहाँ पर क्या होता है, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि इन दोनों ए में से कौन सी वैल्यू कौन सा वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल है एंड कौन सा वेरिएबल लोकल वेरिएबल है. कंपाइलर क्या करता है, इंस्टीड ऑफ सेटिंग दीज वैल्यूज वो डिफॉल्ट वैल्यूज सेट कर देता है इंटीजर की. और इंटीजर की बाय डिफॉल्ट वैल्यूज कितनी सेट होती हैं? 0. तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास ए एंड बी की वैल्यू कितनी सेट हो जाएंगी? 0. और हमारे पास इसलिए 0 0 प्रिंट हुआ है. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर दिक्कत क्या हुई कि कंपाइलर कंफ्यूज हो गया, यानी कि एक एम्बिग्यूटी आ गई जिसके कारण हमारे पास जो वैल्यू हमने पास की थी वो प्रिंट ना होके बाय डिफॉल्ट वैल्यूज प्रिंट हुई है. तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है यूजिंग दिस कीवर्ड. जैसे मैंने यहाँ लिखा था, दिस कीवर्ड इज यूज टू रेफर एनी मेम्बर ऑफ करंट क्लास. अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ इसको दिस डॉट ए और यहाँ पर इसको लिखती हूँ दिस डॉट बी, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो कंपाइलर को समझ आ जाएगा कि ओके दिस डॉट ए ये किस टाइप का वेरिएबल है? ये हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल है. ये वाला ए जो दिस से कनेक्टेड है किस टाइप का वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल है. और उसमें हम कौन सी वैल्यू असाइन कर रहे हैं? लोकल वेरिएबल की. तो हमने जो वैल्यू सेट की थी 10 एंड 20 वो किसके लिए की थी? लोकल वेरिएबल्स के लिए. इट मीन्स ए की वैल्यू लोकल वेरिएबल की वैल्यू किस में असाइन हो जाएगी? इंस्टेंस वेरिएबल में. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या प्रिंट होगा चेक करते हैं. देखिए कंट्रोल F11 मैंने किया और हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, ये 10 एंड 20.
Okay, so in this way we can use this keyword in order to refer any member of the current class. Okay, why this dot a, what it is signifying? It is signifying that it's an instance variable. एक और यूज़ देखते हैं. दूसरा यूज़ हमारे पास होता है दिस कीवर्ड का. इट इज़ यूज्ड टू इनवोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर. लेट सपोज वी हैव अ क्लास क्लास ए बी सी एंड इन दिस आई एम हैविंग थ्री इंस्टेंस वेरिएबल्स इंट ए कॉमा बी कॉमा सी. Okay, and now I'm having a constructor ABC and in this I'm just passing two variables int a comma int b. Now I'll assign this value a is equals to a and this dot b is equals to b. Okay, मैंने क्या किया, मैंने constructor में two values pass किए हैं, two arguments pass किए हैं. ये हमारे पास किस type का constructor है? Parameterized constructor. ये already मैं discuss कर चुकी हूँ, जिसका link नीचे description में, आप उसको वहाँ से refer कर सकते हैं उस video को. Okay, so इसमें हमने क्या किया, just यहाँ पर a and b के जो भी values आएंगी उनको हमने कहाँ पे pass किया है, यहाँ पर this dot a में. This dot a किसको signify कर रहा है? Instance variable को, it means this variable को. It means हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, local variable की value instance variable में pass कर रहे हैं. ओके, हम एक और कंस्ट्रक्टर ले रहे हैं ए बी सी. अब इसमें मैं तीनों पैरामीटर्स पास करूंगी, इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी. नाउ अगेन आई विल असाइन द वैल्यूज. सो दिस डॉट ए इज इक्वल्स टू ए, दिस डॉट बी इज इक्वल्स टू बी एंड दिस डॉट सी इज इक्वल्स टू सी. I have passed three arguments here and उनकी values मैं किस में assign कर रही हूँ, instance variables में. Now I'll print the these values. So उसके लिए मैंने एक function बनाया void show and इसमें मैं pass करूँगी values जो first constructor में आएंगी. So हमारे पास आएगा system dot out dot print और value print करती हूँ plus a and ऐसे ही value मैं print करूँगी b की. ओके, एक और फंक्शन बनाती हूँ void show one फॉर प्रिंटिंग द वैल्यूज ऑफ सेकेंड कंस्ट्रक्टर दैट इज हैविंग थ्री पैरामीटर्स. क्लास हेलो में मेन मेथड मैंने लिखा, उसमें क्लास ए बी सी के लिए ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है. ओके, नाउ लेट सपोज आई हैव टू कॉल फर्स्ट कंस्ट्रक्टर दैट इज हैविंग टू पैरामीटर्स. सो लेट सपोज मुझे वैल्यूज पास करनी है 10 and 20. ओके, सो नाउ जस्ट आई वॉन्ट टू प्रिंट इट. तो हम कैसे लिखेंगे, ओ बी डॉट शो. ओके, मैंने इसको सेव किया और कंट्रोल एफ 11. तो देखिए मेरे पास आउटपुट आ गया 10 20. क्या हुआ, जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये पहले चेक करेगा कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं, टू नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं. तो हमारे पास यहाँ पर ए बी सी नाम से दो कंस्ट्रक्टर थे बट दोनों के पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट थे. तो जिस भी कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर्स होंगे वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा. तो यहाँ पर दो कंस्ट्रक्टर हैं, तो ए की वैल्यू 10 आ गई, बी की वैल्यू 20 आ गई, जिसकी वैल्यू हमने ए एंड बी में असाइन कर दी. एंड देन मैंने कॉल किया था शो फंक्शन को, तो ए एंड बी की वैल्यू 10 and 20 सेट हो जाएगी और हमारे पास यहाँ पर 10 and 20 प्रिंट हो गया. ठीक है, बिल्कुल सही है. बट अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पर मैंने ए बी सी जो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर लिखा था उसमें मैंने एक कोड लिखा था दिस डॉट ए दिस डॉट बी. अगेन दूसरे कंस्ट्रक्टर में मैंने सेम कोड लिखा, ये मैंने यहाँ पर सेम कोड लिखा है. ठीक है, दैट इज़ नॉट ऑफ एनी यूज़, दैट इज़ अ बैड प्रोग्रामिंग. ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम अगेन यहाँ पर यूज़ करते हैं दिस को. कैसे, दिस ए कॉमा बी. ठीक है, इससे क्या होगा आपका, इंस्टीड ऑफ राइटिंग इट लाइक दिस आपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. देखिए प्रोग्राम आपका वैसे भी एग्जीक्यूट कर रहा था, अगेन उस कोड को लिखना, कोड की मल्टीपल कॉपीज बनाना इज नॉट ऑफ एनी यूज़. ठीक है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं दिस कीवर्ड का इस तरह से. ठीक है, आपको जो भी पैरामीटर्स की वैल्यू आप ऑलरेडी यहाँ पर सेट कर चुके हो उनकी वैल्यू मैंने क्या की, यहाँ पर सेट कर दी. किस तरह से, दिस ए कॉमा बी से. अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखते हैं मेरे पास क्या आउटपुट आएगा. आउटपुट मेरे पास आएगा सेम 10 and 20. ठीक है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं आया, बस डिफरेंस आया कोड राइटिंग का, बैड कोड राइटिंग एंड गुड कोड राइटिंग. ठीक है, सो हमारे पास दिस का आप यूज ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने लिखा था यूज ऑफ इट, इट इज़ यूज टू इनवोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर.
But the main thing that you have to remember in this case is, if you are writing it like this, if you are calling any constructors data like this using this keyword, तो आपको वो first statement लिखना पड़ेगा constructor के अंदर. It means आप ऐसे नहीं लिख सकते हो this dot c is equals to c and then you are writing this a comma b. आप ऐसे नहीं लिख सकते. अगर आप किसी constructor की values को call कर रहे हो तो आपको हमेशा उस statement को first statement लिखना होगा constructor के अंदर. ठीक है, दैट दिस इज़ द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. सो इन दिस वे यू कैन यूज़ दिस कीवर्ड इन कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड कोड रीराइटिंग एंड इन ऑर्डर टू रेफर एनी मेंबर ऑफ क्लास. ओके गाइस, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. थैंक यू, गुड लक.